आज के युग में सभी चीजें एडवांस्ड हो गई हैं, जहां आप घर बैठे बैठे खाने से लेकर कैब तक बुक कर सकते हैं। ऐसे में कभी कभी ये सुविधा हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका की एक महिला के साथ, जिसने घर जाने के लिए कैब ली थी। इस दौरान वो रास्ते में सो गई और जब जागी तो कैब ड्राइवर उसका रेप कर रहा था। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाली एक महिला ने उबर कैब ड्राइवर पर रेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद घर लौट रही थी, जिसके बाद मैंने उबर कैब ली। नशे की वजह से मुझे रास्ते में नींद आ गई और जब मैं उठी तो ड्राइवर मेरे साथ रेप कर रहा था। वहीं उबर ड्राइवर ने महिला के साथ संबंध बनाने की बात कबूल की है, लेकिन उसका कहना है कि ये महिला की सहमति से हुआ था। ड्राइवर ने यह भी बताया कि उसने फोंटाना के मैकडेरमोट पार्क में महिला के साथ संबंध बनाया था। हालांकि महिला ने ड्राइवर पर रेप का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पुलिस ने उबर कैब ड्राइवर पर रेप का मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।